बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबी काजमी। बचपन से सुनते आए हैं पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। पाकिस्तान के नफ्ज में जो लफ्ज पाक है, पवित्र है, प्योर है, क्लीन है, धुला हुआ है। सत्तान फारसी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है शहर। उसकी अरबी में मदीना, मदीना सानी, जिस मदीना की रियासत की बात भी आप सुनते हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख को आप देखें तो ये वैसे ही नहीं हुआ, ये अल्लाह का वो एक मोजज़ा है। 12 ज़िलहज, 14 अगस्त, 72वीं सालगिरह। अगर आप तारीख इस्लाम देखें तो 12 इमाम, 14 मासूमीन और 72 शहदाए करबला। 27 रमज़ान को नज़ूले कुरान की रात, जुम्मे का दिन जो दिनों का सरदार। अगर मैं पाकिस्तान के फजाइल बयान करने बैठ गया तो यहाँ सुबह हो जाएगी, लेकिन आज आज़ादी का दिन है। और आज़ादी की कीमत अगर आपने देखनी है तो जाकर ज़रा कश्मीर के लोगों से पूछें किस तरह वो एक महीने से कश्मीर के पूरे इलाके का एक लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर फिर भी पूछना है तो इराक और शाम के लोगों से पूछें कि आज़ादी की कीमत क्या है कि वो अपने ही मुल्क में परदेसी हो गए। हम पर अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम आज़ाद हैं। आज यहाँ पटवारी, जियाले, मतवाले और जोशीले तमाम के तमाम इस परचम के साए तले इकट्ठे हैं। हम लोग जो लड़ते हैं शेर के बच्चों की तरह, कि जब बोर होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब परचम और आज़ादी और पाकिस्तान की बात आती है तो सारे इख्तलाफ साथ साइड पे रखकर एक झंडे के नीचे जमा है। आए आपको दिखाऊं कि मेलबर्न में पाकिस्तानी किस तरह जोशीले अंदाज में इस वक्त फुल पंप्ड अप और चार्ज हैं और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अम्मा जी, आज आप मेलबर्न में खड़ी हैं, यहाँ आज जश्न आज़ादी है, क्या कहेंगी आप? हम यही कहेंगे अल्लाह ताला कामयाब करे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को हिम्मत ताकत दे, कश्मीर के बारे में भी इनकी कुछ करे। वो हमारे मुसलमान भाई इतने तकलीफ में है। ये जो जज्बा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या आपको पाकिस्तान महसूस होता है एक बार? हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान के लिए तो इधर आए, यही जज्बा तो लेके आया घर से इधर। तो यहाँ पे लोग आपको चार्ज नज़र आ रहे हैं इस वक्त, खुश हैं? बहुत खुश हैं, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। ईद से बड़ा बढ़कर दिन है हमारा पाकिस्तान का, आज़ादी का दिन है हमारा। बेशक, दुआओं में अपनी याद रखें, हमें आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बच्चे कामयाब बिताए। कुछ पाकिस्तानियों को गुनगुना कर सुनाएं आज के दिन की मुनासिबत से। बिल्कुल। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम माबाद तुझे, कदम कदम माबाद तेरा, हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे। वाह वाह, बहुत खुश रहे, बहुत बहुत मेहरबानी आप। जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, इंडिया जा, जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबा गुरु नानक जी की आ रही है अभी, बर्थडे आ रही है, तो एक्साइटेड है, पाकिस्तान जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे जी। तो अगर रोका तो? अगर नहीं रोक पाएंगे जी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने रास्ते पर जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान को होना चाहिए। पाकिस्तानियों इस चीज को बोझ ना समझे, हर उम्मत को, हर नेशन को इस मुश्किल से गुजर के कामयाब नेशन बनना पड़ता है, और इंशाल्लाह हम लोग उभरेंगे। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान मुल्क है, था और रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीएसए के यहाँ के प्रेसिडेंट है जिशान साहब, जिशान साहब
मुबारक हो, इतना ज़बरदस्त फंक्शन इतने लोग इकट्ठे किए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी आपका, लेकिन क्रेडिट इन लोगों को जाता है जो इतनी सर्दी में यहाँ पे मौजूद हैं। हम तो एक छोटी सी कोशिश करते हैं चीज़ों को इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन इवेंट हमेशा ऑडियंस की वजह से सक्सेसफुल होता है। इतनी मेहनत भी आपने की है और थोड़े थोड़े लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह सारा ये भरा होगा पाकिस्तानियों से। इंशाल्लाह ज़रूर, पिछले साल भी काफ़ी भरा हुआ था, इस साल भी काफ़ी भर गया। इस दफ़ा हमने काफ़ी चेंज किया, स्टेज लिया, आपने देखा होगा स्क्रीन पे हम पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस को वो भी दिखा सकेंगे कि इमर्जिंग पाकिस्तान की हमने वीडियो चलाई है यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई जा रही है, पाकिस्तान के मशहूर हस्तियों की थोड़ी सी बायोग्राफी तो नहीं कह सकते लेकिन इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, ताकि और आप जानते हैं फेडरेशन के मेलबर्न का दिल। आज़ादी पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? आज़ादी पे तो मैं, क्योंकि कश्मीर की वजह से दिल अफसरदा भी है, मेरा मैसेज यह है कि आप लोग पिछले कई सालों से जो आज़ादी फील कर रहे हैं यह हमारे कश्मीरी भाई नहीं कर रहे, तो प्लीज़ जहाँ पर भी हैं, जिस कैपेसिटी में भी हैं, आप दफ्तर में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, आपके साथ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनको बताएं कश्मीर का इशू है क्या, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो उनके बच्चे नहीं रहेंगे। यह हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी आज़ादी के दिन हम ये सोचेंगे हम अपने बहन भाइयों को आज़ादी कैसे दिलवा सकते हैं। रूए रवां है यहाँ से सामान जो आपको नज़र आ रहा है आज, पाकिस्तान के झंडे सब ये सियालकोट से पाकिस्तान की मोहब्बत में लेकर आते हैं। मलिक साहब, ऑस्ट्रेलिया से आप इतनी दूर सफ़र करके पाकिस्तान दिलाते हैं सामान, इसकी वजह क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत है इसमें जो भी है ना, ये पाकिस्तान जो है ना हमारा मुल्क है, हमें बहुत अजीज़ है, ये बड़ी मेहनत बड़ी कुर्बानियों के साथ हमें अल्लाह ने अता किया है और ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा, इसके लिए हमारी जान भी आज़ाद है। ये बड़ी बात है, ये देखिए अपना काम काज छोड़ के पाकिस्तान से इतनी दूर से ये चीज़ें बनवा कर यहाँ लाते हैं ताकि हम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी पाकिस्तान को याद रहें। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने। ये जो देख रहे हैं आप लोग हैं, ये तकरीबन 4-5 घंटे से चल रहा है प्रोग्राम, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में लोग ये खड़े हुए हैं, इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला ताकि हम सलामत कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान, और धड़कन के साथ ये धड़क रहा है, हर कोई कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद।